जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कैलेंडर देखना भूल जाओगे, क्योंकि आज हम लेकर आए कुछ ऐसे ट्रिकी मेथड्स जिससे आप चंद सेकंड्स में बड़े से बड़े रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेलवे बीएससी एजी टेट यूपी टेट सी टेट बीएड के लिए, तो इसे मिस बिल्कुल ना करें। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, वक्त चाहे कैसा भी हो बदलता जरूर है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक माचिस की तीली काफ़ी होती है लाखों पेड़ों को जलाने के लिए। जब हम जिंदा होते हैं तो हम न जाने कितने छोटे छोटे चींटियों के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो वही चींटियां हमारे ऊपर चढ़ती हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, जरा डिस्कस करिए, जरा सोचिए इसके बारे में। यदि आज सोमवार है तो आज से 20वां दिन कौन सा होगा। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आज अगर फ्राइडे है, आज अगर कोई एक दिन दिया रहेगा और पूछेगा आज से इतनावां दिन कौन सा होगा, जैसे कि आज सोमवार है, आज से 20वां दिन कौन होगा, आज मंगलवार है, आज से 65वां दिन कौन होगा। तो इसको निकालने के लिए अब आप काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4। आपको ऐसी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस छोटा सा मेथड और आप तुरंत निकाल लेंगे। और देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पिछले कुछ डेट्स के बारे में, डेट पे कौन सा दिन था, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन दिन। एंड फाइनली, यदि किसी माह की 30 तारीख को पांचवा शनिवार है तो उस माह की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। ट्रिक को जानने से पहले हम देखेंगे ऑड डे मेथड। ऑड डे मेथड यानी कि विषम दिनों की संख्या वाली विधि। विषम दिन किसे कहते हैं, ऑड डे क्या होते हैं, जब किसी भी दिनों की संख्या आपको दी रहे, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 20वां दिन कौन सा होगा, तो जितने भी दिनों की संख्या दी रहे उसे आप पहले 7 से भाग दे दीजिए। सबसे पहला काम 7 से उसको आप डिवाइड करिए। अगर दिया हुआ है कि आज सैटरडे है, आज से 60वां दिन कौन होगा, तो आप जो 60 दिया है नंबर में 60, उसे आप 7 से भाग दे दीजिए। कोई भी संख्या जो दिनों की संख्या दी गई रही होगी उसे आप 7 से भाग देंगे, और भाग देने पे जो शेषफल आएगा, आपको कोसेंट या आंसर नहीं देखना, आपको देखना उसका रिमाइंडर शेषफल। आप उस रिमाइंडर को काउंट कराएंगे, उसी को बोलते हैं ऑड डे। सप्ताह की शुरुआत होती है मंडे से, तो रविवार जहां पे सप्ताह का समापन होता है, सप्ताह जो होता है, वीक जो होता है, वो खत्म होता है संडे पे, तो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे में एक विषम दिन है। एक विषम दिन होते क्या, दिमाग में क्या रखना आपको, पेयर जिसके नहीं बन पाए, 7-7 दिनों के पेयर बनाइए, जिसके पेयर नहीं बन पाए वो है विषम दिन, वो है ऑड डे। आपने अगर 14 दिन दिया हुआ, आप 7-7 दिनों के 2 पेयर बनेंगे तो कोई उसमें आपको ऑड डे नहीं मिलेगा। वही अगर 16 दिन दिया हुआ, तो 7-7 दिनों के 2 पेयर बनाने के बाद आपको मिलेंगे 2 ऑड डे, दैट इज विषम दिनों की संख्या। तो यहां पे आप देखिए, मंगलवार में 2, बुधवार में 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार में 6 हैं ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इन डिफरेंट डेज। अब हम करेंगे हमारा टाइप 1 क्वेश्चन, जो कि है यदि आज सोमवार है तो आज से 20वां दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लगाएंगे ऑड डे मेथड ट्रिक, यानी कि विषम दिनों की संख्या वाली विधि। इसमें आपको करना क्या है, जितने भी दिनों की संख्या दी रहेगी उसको आप पहले 7 से डिवाइड करिए, 7 से भाग दे दीजिए आप, तो आपको देखना है शेषफल क्या है। तो यहां देखिए, दिनों की संख्या दी है 20, अगर मैं 20 को करूंगा 7 से डिवाइड तो मेरे आएंगे 2 टाइम में 14, रिमाइंडर आएगा 6। तो मुझे देखना है ये जो आपका रिमाइंडर है, यानी कि जो आपका शेषफल आएगा, मुझे वो देखना है, भागफल से कोई मतलब नहीं है। तो आपने देखा कि आपके आ गए रिमाइंडर 6। अब क्या करना है, अब रिमाइंडर मिलने के बाद, शेषफल मिलने के बाद, जो दिन आज दिया हुआ है वहीं से आप गिनती चालू कर दो। यदि आज दिया हुआ है कि आज सोमवार है तो सोमवार को मानिए 1, और जितने रिमाइंडर है, जितने शेषफल है, उतनी गिनती कर लो आप, आपका आंसर आ गया। जैसे कि आज सोमवार है, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4 और शुक्रवार 5, और मुझे छठा रिमाइंडर चाहिए, छठवां दिन आपका होगा शनिवार, यानी कि आपका आंसर आ गया सैटरडे। यानी कि यदि आज मंडे है तो आज से 20वां दिन, 20th डे फ्रॉम टुडे इज सैटरडे।
टू क्वेश्चन करने से पहले आपको एक और चीज सिखा दूं, लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होते हैं? वह वर्ष जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। क्वेश्चन ये आता है, ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर साल एक्चुअल में अगर हम राउंड ऑफ करके देखें तो होते हैं 365 दिन और 6 घंटे। यही 6 घंटे 4 वर्षों में मिलके एक दिन का निर्माण करते हैं, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। और ये एक दिन है क्या या एक वर्ष है क्या? एक वर्ष का मतलब वह समय जो कि हमारी अर्थ लेती है एक चक्कर लगाने में, सन का, सूरज का, यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही हमारा एक साल है। लीप वर्ष निकालने का मेथड, सबसे पहले जो भी अगर आपका साधारण वर्ष दिया हुआ है, नॉर्मल ईयर दिया हुआ, आपको पता करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। आप उसे 4 से डिवाइड कर दे। आप ईयर को जब 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड कंप्लीटली हो जाए, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, कोई रिमाइंडर ना आए, कोई शेषफल ना आए, समझ जाना वो लीप ईयर है। जैसे कि आप देखिए 2020, तो 2020 को अगर मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो ये 2020 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 20 जाएगा, 5 टाइम में यहाँ पे 0 आएगा, फिर ये 5 टाइम में जाएगा, मतलब कि ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये लीप ईयर है, बिल्कुल है, लीप ईयर है ये। उसी तरह अगर हम बात करें 2016, तो देखिए ये भी लीप वर्ष है, लेकिन शताब्दी लीप ईयर की पता करने में बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है। वो 4 से डिवाइड करते, 4 से भाग देना नहीं होता है। जैसे कि कोई शताब्दी वर्ष है, अगर 1000 आ गया, 2000 आ गया, ऐसे वर्ष में पता करना है कि वो लीप वर्ष है कि नहीं, तो उसे आप 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देंगे। जैसे कि 1000 जो वर्ष था वो लीप वर्ष था कि नहीं, तो अगर हम 4 से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा, लेकिन वो लीप वर्ष नहीं था क्योंकि उससे मुझे भाग देना है 400 से। तो यहां पे देख पा रहे हैं आप कि मैंने जब 400 से भाग दिया तो वो पता चला कि वो लीप वर्ष नहीं है, और वही 2000 जो वर्ष था वो लीप वर्ष है। बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप। अब बस हम लोग अपने लास्ट मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, उससे पहले एक छोटा सा एक फैक्ट जान लीजिए आप कैलेंडर को लेके, जिससे आप Type 3 के क्वेश्चंस तुरंत कर पाओगे। ये फैक्ट क्या है कि किसी भी साधारण वर्ष का, नॉर्मल ईयर की हम बात करें, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे, कोई भी अगर नॉर्मल ईयर है, जनरल ईयर है, तो उसका पहला और अंतिम दिन जो होगा वो सेम होगा। मतलब कि अगर तो यदि 2021 का जो पहला दिन है यानी 1 जनवरी अगर वो फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर जो होगा 2021 वो भी फ्राइडे ही होगा। नॉर्मल ईयर जितने भी होंगे, सब कैलेंडर को उठा के आप देख लो, सब में यही चीज मिलेगा, पहला दिन जो होगा वही साल का अंतिम दिन भी होगा। लेकिन ये नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में क्या होता है बच्चों, एक दिन बढ़ जाएगा। मतलब कि यदि कोई लीप ईयर है तो उसका जो पहला दिन होगा वो अगर फ्राइडे है तो अंतिम दिन एक दिन बढ़ के सैटरडे हो जाएगा, यानी कि शनिवार। और दूसरा फैक्ट बच्चों, किसी भी साधारण वर्ष यानी कि अगर जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं, तो उसके वह महीने जिसके फर्स्ट डे सेम होते हैं, तो जनवरी में अगर फर्स्ट डे मंडे है तो अक्टूबर के कैलेंडर को देखो सेम आएगा। सेम उसी तरह फरवरी का जो पहला दिन होगा वही मार्च का भी पहला दिन होगा, अप्रैल का अगर जो पहला दिन होगा वही जुलाई का पहला दिन होगा, और सितंबर और दिसंबर के पहले दिन भी क्या होंगे, इक्वल। ये आप याद रखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज का ट्रिक। ये ट्रिक बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ट्रिकों के मुकाबले ये कहीं पे भी फेल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स आप देखेंगे जो हर जगह अप्लाई नहीं हो पाते, लेकिन ये ट्रिक अगर आपने याद रखा तो ये ऑल कंडीशन में 100% अप्लाई होगा। ट्रिक क्या है, बस छोटे से कुछ कोड से याद रख लीजिए आप, जैसे कि मंथ कोड। मंथ में कोड में क्या याद रखना आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सारे मंथ्स के अलग अलग कोड मेंशन है। इसको आप ऐसे याद रखें, तीन तीन का पेयर, जैसे कि 622 और 503, बस ये दो नंबर याद रखें, 622 और 503, ये तीन तीन का पेयर। आप जो अगला पेयर आएगा वो 503 में आप 11 बढ़ा दें, 11 इंक्रीज कर दें, तो वो हो जाएगा 514। तो देख पा रहे हैं आप, पहला जो पेयर है तीन महीनों का 622, और उसके बाद दूसरा जो होगा 503, 622, 503, 622, 503, और अगला जो पेयर आएगा बस इसमें आप प्लस 11 कर दें, आपका आ जाएगा 514। और फाइनली जो लास्ट वाला पेयर है उसमें आपको क्या करना है, पहले वाले में आप प्लस 2 कर दें, आपको यह भी याद हो जाएगा। और अगर लीप ईयर है बच्चों,
तो लीप ईयर में भी कोड आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको जनवरी का कोड बढ़ा देना है। जनवरी में एक नंबर कम कर दीजिए, आप माइनस वन कर दीजिए अगर लीप ईयर है तो, और फरवरी में भी आप माइनस वन कर दीजिए। मतलब जो फरवरी का कोड आपने टू लिया था उसको आप वन ले लेंगे, जनवरी के कोड को आप फाइव ले लेंगे, एकदम आसान, तुरंत याद हो जाएगा। बात करेंगे शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड में आपको याद रखना होगा कि बहुत सिंपल तरीके से बस आप दो दो माइनस करते चले जाइए। जैसे कि अगर 100 साल की हम बात कर रहे हैं तो 100 साल का जो कोड है वो है 5, तो उसके बाद 200 साल के लिए कोड क्या लगेगा, 5 माइनस 2 करिए 3, 300 साल के लिए 3 आया, 3 में से 2 माइनस करिए मतलब कोड हो जाएगा 1, और 400 और उसके जितने भी पेयर हैं मतलब 400 का जो मल्टीपल होगा 800, 1200, 1600, 2000, इन सब का कोड होता है 0। बस इतना आपने याद रखा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ नहीं याद करना आपको, डेस कोड तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ था जो विषम संख्या वाले में, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर में, कि संडे हमारा जो होता है 0, उसमें विषम संख्या होती है, मंडे में 1, ट्यूसडे में 2, तो वही विषम संख्या आपका डे कोड है। अब आप देखेंगे इस लेक्चर का ब्रह्मास्त्र यानी कि फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या रखना है आपको, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला में बस 5 चीजें मेंशन करिए, आपका यूं चुटकियों में आंसर आएगा। कोड तो याद हो ही गया होगा आपको अब तक, क्या था कोड, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, याद रखिए दिमाग में हमेशा, भूलना नहीं है, 622, 503, 514, फिर 624, बस ये 12 नंबर्स हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेज के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ईयर कोड यानी कि जो सेंचुरी का कोड हम लोगों ने मेंशन किया था बच्चों, सेंचुरी कोड यानी कि अगर 100 वर्ष है तो उसके लिए 5, 200 वर्ष के लिए 3, 300 वर्ष के लिए 1, और 400, 800, 1600, 1200, 2000, इन सब के लिए 0। तो ये आपको हो जाएगा ईयर कोड। और इसके बाद आपको लिखना होगा ईयर यानी कि दो अंक हैं जो के वो आपको मेंशन करने होंगे। जैसे कि यहां पे देखिए 1987 की अगर हम बात करें तो 1987 में आपको लास्ट के दो डिजिट यहां पे लिखने हैं, ये आपको लास्ट के दो डिजिट यहां पे ईयर में लिखने हैं। और लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है बच्चों, कितने उसमें लीप ईयर थे, तो आपको कुछ नहीं करना, लीप ईयर निकालने के लिए बस जो भी आपको ईयर दिया रहे उसे आप 4 से भाग दे दें, 4 से भाग देंगे आपके लीप ईयर के संख्या यहां पे लिख देंगे आप। मंथ, तो मंथ का कोड आपने याद किया था, जो महीना होगा उसका आप कोड लिखेंगे, और तारीख लिखना होगा आपको, ये 10 तारीख यहां आप लिख देंगे, और ये आपका हो गया फॉर्मूला। जितना भी आपकी वैल्यू आएगी इन सबको आप 7 से करेंगे डिवाइड। तो आइए हम करते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल है आपका 10 जून 1987 को कौन सा दिन होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, अपने बर्थडे को ले लीजिए, आप पता करिए उस दिन कौन सा दिन था। तो देखिए 10 जून 1987 लिखने का मेथड क्या होगा, सबसे पहले आपको जो ईयर दिया होगा उसे आप कर लेंगे ब्रेक 400 के मल्टीपल में। तो देखिए यहाँ पे 1987 है, तो 1900 यानी कि 1900 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300। मैंने आपसे कहा था कि आपको 400 का मल्टीपल मतलब 400 का जो गुणज है 400, 800, 1200, 1600, 2000, इनके फॉर्म में नंबर को ब्रेक कर लेना है पहले। तो मैंने कर लिया 1900 को ब्रेक 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300, 1900। और मैंने आपको बताया कि 400 के मल्टीपल के जितने भी साल होते हैं उनका जो ईयर कोड है, उनका जो शताब्दी कोड है वो होता है 0। तो ये हो गया 0, 1600 का कोड और 300। तो याद करिए जरा, 100 के लिए 5, फिर 2 माइनस करिए, 200 के लिए 3, फिर 2 माइनस करिए, 300 के लिए 1, तो 300 का जो शताब्दी कोड हो गया वो हो गया 1। इन दोनों को हम जोड़ेंगे मेरा आएगा 1। ये हो गया पूरा आपका शताब्दी कोड यानी कि सेंचुरी कोड, जिसको आपको लिखना है सबसे पहले, मैंने यहाँ लिख दिया फॉर्मूला में 1। और उसके बाद आपको क्या लिखना था, इसके बाद आपको लिखना है ईयर की संख्या, लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के दो अक्षर। तो 1987 के लास्ट के दो अक्षर 87 मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दिया। और इसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर, ये निकालना बहुत ही आसान है, बस जो लास्ट के दो साल दिए हुए, साल के जो दो अक्षर दिए हुए, दो डिजिट्स दिए हुए, उसे आप करेंगे 4 से डिवाइड यानी कि 4 से उसको देंगे भाग। भाग करने पे जो भागफल आएगा, जो आपका कोशेंट आएगा, वो आप मान लेंगे लीप ईयर की संख्या हो गई 21। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे महीने का कोड। महीने का कोड देखिए, ये मंथ कोड, तो मंथ कोड मैंने 3 कैसे लिया, आपको मैंने याद करवाया था, याद करिए जरा,
622 503, याद करिए जरा, 622 503, 514 624। तो मेरा छठवां महीना होता है जून, मतलब कि 503 का लास्ट का अक्षर 3। तो ये आपका हो गया जून का कोड, हो गया 3। और लास्ट में आप लिखेंगे तारीख, तारीख थी 10, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 10। इन सभी को आप करेंगे सम, करेंगे इसको जोड़ेंगे, और जो भी आएगा हमारा ये सम उसको हम करेंगे 7 से डिवाइड। तो 122 को चलिए हम लोग करते हैं डिवाइड, वो भी किससे, 7 से। तो जब हम इसको करेंगे 7 से डिवाइड, तो 7 के टेबल में 1 बार में हम पढ़ेंगे 7 आएगा 5 यहाँ पे, और ये 2, 7 बार में जाएगा ये आएगा 49, मेरा बच गया 3। ये जो आपका रिमाइंडर होगा इसे आप मैच कराइए अपने दिनों की संख्या से, दिन ऑड नंबर वाले, ऑड दिन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आइए हम करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, वो है हमारा रिपब्लिक डे, भारतवासियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, जिस दिन हमारा संविधान लिख के लागू किया गया था, इस तारीख को कौन सा दिन था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इसको निकालना और भी आसानी हो, चुटकियों में आप निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो ये आपका ईयर है इसे आप ब्रेक करेंगे, सेंचुरी को आप ब्रेक करेंगे, तो इसके नियरेस्ट में आएगा 400 का मल्टीपल यानी 1600, तो 1600 प्लस 300 हो गया 1900, 1600 का कोड मैंने कहा था, 400 के जितने भी मल्टीपल है उन सबका कोड होता है 0, तो 1600 का भी कोड क्या हो गया 0, और 300 का कोड क्या होता है बच्चों, 300 का कोड याद करिए अपना सेंचुरी कोड में आप जाके देखेंगे 300 का कोड क्या था, देखिए 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, और फिर 2 कम कर दीजिए, 300 के लिए कोड हो गया था 1, तो 0 प्लस 1 की आपका 1 आ गया, ये हो गया सेंचुरी कोड जो मैंने। इसके बाद देखिए लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालेंगे आप, लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए जो भी आपके अंतिम के दो अक्षर हैं, अंतिम के जो भी दो अक्षर हैं बच्चों, इसे आप डिवाइड कर दें 4 से, तो ये आपका निकल जाएगा 12 आएगा आपका भागफल यानी कि कोसेंट, रिमाइंडर बचेगा 2, उससे मतलब यहाँ पे नहीं है। तो जो 12 आ रहा है कोसेंट, वो आपका हो गया लीप वर्षों की संख्या, जिसे मैं यहाँ पे लिखूंगा लीप वर्ष के नीचे 12। नौ महीने का कोड, महीना क्या आपका, महीना है जनवरी, जनवरी के लिए कोड था बेटा 6, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। और लास्ट में तारीख, तारीख कितनी है 26, तो मैंने यहाँ पे लिखा 26, तो जोड़ने पे ऐड करने पे कितना आ रहा है 95 को हम भाग देंगे 7 से, जो हमारा भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा मुझे उससे मतलब है, जो भागफल आएगा उससे मतलब नहीं है, जो आपका शेषफल आएगा वो आपको देखना है। तो 95 को जब आप भाग देंगे 7 से, 95 डिवाइड बाई 7, आपका आएगा रिमाइंडर 4। ये जो मेरा 4 होगा इसे मैं मैच कराऊंगा अपने दिनों के कोड की संख्या से, तो 4 का मतलब मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, और 4 का मतलब थर्सडे आ गया 4। ये आपका हो गया खत्म। अगर आपको समझ में आया तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।